नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। दोस्तों इंद्री हेड पर मौजूद हैं और आप देख पा रहे हैं कि गोताखोर जो है वो अब नहर में, नरेंद्र जो गोताखोर है वो नहर के अंदर कूद कर अब तीसरे शव को भी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं जो गोताखोर नरेंद्र हैं वो तीसरे शव को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं जहाँ पर हमने आपको बताया था कि दो शव तो पहले ही, एक शव जो है वो बांध पर झाल के अंदर और दूसरा शव जो है वो बांधा गया है सामने, और तीसरा शव जो पीछे से आ रहा था अब उसे, क्योंकि पानी की रफ्तार बहुत तेज़ है और इस शव के अंदर, शव को फिलहाल बाहर निकालने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं गोताखोर। और जैसे कि पानी की रफ्तार भी काफ़ी तेज़ है और काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद जो है शव आगे आता है और उसे अब जो गोताखोर हैं, गोताखोर प्रकट सिंह की टीम से नरेंद्र जो है उसे बाहर जो है अब निकाल रहे हैं। आप देख पा रहे हैं काले रंग की टी शर्ट जो है वो फिलहाल डाली गई है और यहाँ पर फिलहाल अब आपको पूरी तस्वीरें जो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि इस तरीके से फिलहाल इसकी पहचान भी कहीं ना कहीं ज़रूरी होगी। और आपको बता दें काले रंग की टी शर्ट जो है वो डाली गई है, काले रंग की टी शर्ट जो डाली हुई है और सफ़ेद बनियान है और चलो एक तो परिवार चांदी का कड़ा भी डाला हुआ बता रहे हैं। विकास विकास मित्तल लिखे मित्तल, हाँ वही वही वही, चलो हो गया हो गया हो गया। तो एक और लाश बरामद हो गई है, क्या क्या नाम बताया जा रहा है? ये सर एदा नाम विकास है और गले में चांदी की चैन है, हाथ में कड़ा, हाँ विकास मित्तल जी। कहां से लाता था जी? ये राजीव कहाँ से डूबा था भाई? ये हमीदार से, दादू हेड से ऊपर थोड़ा डूबा हुआ था, ये दादूपुर हेड पर, दादूपुर से हेड से 3 किलोमीटर ऊपर डूबा हुआ था। क्या नाम है इसका? इसका नाम नहीं, इनके पारी से हमारे साथ ही है। इनके परिजन भी पहुंचे हुए मौके पे, परिजन आए हुए, परिवार पहुंचा हुआ, परिवार पहुंचा हुआ है। परिवार तो सर जैसे दो लाशें पहले मिली थी ना, तो तभी बेचारे भाग कर आ गए थे, लेकिन तीसरा उनका हो गया, ये कन्फर्म हो गया। तीसरा जो कोई और परिवार पहुंचा उनका, हाँ, जो उनका है ये तीसरा जी बिल्कुल। विकास मित्तल नाम बता रहे हैं तुम्हारा कौन सा? तो मित्तल परिवार भी आप देख, तो यहाँ पर आपको बता दें फिलहाल विकास मित्तल नाम वो ये इनने भी कड़ा पार करा था, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, हाथ पर लिखा हुआ विकास मित्तल, क्या हुआ था देखिए जरा हाथ पे लिखा। तो यहाँ पर जो है फिलहाल एक शव की पहचान मौके पर कर ली गई है, जो परिवार पहुंचे हुए हैं एक परिवार ने शव की पहचान कर ली है। जो शव अभी पीछे से तीसरा शव जो आ रहा था तैरता हुआ नहर में, उसे फिलहाल गोताखोरों ने निकाला और अब किनारे लेकर आए और वहां पर तीसरे शव की पहचान हो चुकी है। विकास मित्तल जो है नाम बताया जा रहा है और अब जो है काले रंग की टी शर्ट डाली हुई थी और जिस तरीके से जब चेहरा देखा और हाथ पर शायद लिखा हुआ है उनके, और हाथ में एक चांदी का कड़ा भी जो डाला हुआ है, और फिलहाल कुछ लोगों ने जब देखा तो ये वही निकले। और मौके पर आपको बता दें जो परिजन है वो पहुंचे हुए हैं मौके पर, परिजन जो है फिलहाल वो विकास मित्तल जिनका शव मिलता है और यमुनानगर के पास की ही जगह के। ये सर अभी तीसरी लाश जो मिली है इसका परिवार मिल चुका है, इसका नाम विकास मित्तल है और हमीदा हेड से बताया जा रहा है कि कल ये मच्छियों को आटा वगैरह डालने गए थे, जो परिवार ने बताया है मच्छियों को आटा डालने गए थे, तो अभी उनका सारा परिवार यहाँ पर पहुँच चुका है, तो उनको शिनाख्त कर लिया, गले में चैनी है, हाथ में चैनी है और ये उनके भाई भी पहुँच चुके हैं, अभी शिनाख्त होगी। नाम हाथ पर लिखा हुआ है, कड़े के ऊपर लिखा हुआ, कड़े के ऊपर नाम मित्तल, मित्तल जी कड़े के ऊपर मित्तल जो है वो लिखा हुआ है विकास मित्तल। और फिलहाल आपको बता दें कि और यमुनानगर के हमीदा के अंदर जो है ये बता रहे हैं कि मच्छियों को आटा डालने के लिए गए हुए थे और वहां पर जो है विकास मित्तल जो है उनका पांव फिसलता है, जो कि जिस तरीके से जानकारी मिली थी, और उसके बाद जो है अब लोग मौके पर पहुंचे हुए हैं और अभी फिलहाल एक शव की पहचान मौके पर कर ली गई है और उनके परिजन भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो बता दें कि मौके पर जो है परिजन जो है फिलहाल पहुंचे हुए हैं पहचान करने के लिए, मौके पर परिजन जो है वो फिलहाल ये देख लीजिए पहुंचे हुए हैं और अब फिलहाल मौके पर जो परिजन है वो आप देख पा रहे हैं ये उनके और हमीदा हमीदा के बता रहे हैं परिवार पर यमुनानगर के। आपका बेटा था तो क्यों डूबा था नहर में? और डेली मच्छियों को गोलियां घेरना आवे था, आज शाम को 6 बजे आ गया मंगलवार की, इतना पुलिस घर पहुंच चुकी है, अभी मोटरसाइकिल लवारिश करी हाँ मीने की, फिर हम गए वहाँ से, वहाँ जो दो चार लेडीज़ थी उन्होंने कहा हमने चुनिया भी गिरी, हाथ लगता हुआ बह चुका था।
हमीदा में हाँ टूट पड़ता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उनके जो पिता हैं, क्या बेटा क्या करता था, विनय शो भी करता था करने की। तो यहाँ पर फिलहाल आप देख पा रहे हैं उनके परिजन जो है मौके पर हैं और उनके जो पिता हैं उनसे बात हुई हमारी। आपकी टीम का धन्यवाद, बहुत दुख हो गया हमें, क्या करें, कुछ पीड़ लेकर हाँ बॉडी मिल चुकी है जी, धन्यवाद आप। बहुत ही दुखद है। तो आप समझ सकते हैं उस परिवार पर क्या बीत रही होगी जिनका बेटा रोज मछलियों को आटा जो है देता था, खिलाता था और वहीं पर उसका पांव फिसल जाता है, हमीदा यमुनानगर के पास और वहीं पर ही। और आज यहां से आप देख पा रहे हैं इसी नहर के अंदर उसकी बॉडी मिलती है। आप समझ सकते हैं कि आखिर किस तरीके से जो है शवों का सिलसिला जो है मिलने का जारी है। और अभी फ़िलहाल लोगों से यही अपील करेंगे कि नहर के किनारे ना जाएं। लगातार शव मिलने का सिलसिला जारी है, गलती से पांव फिसलने से बड़ी दुर्घटना हो जाती है और फिलहाल परिवार बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे में आप देख पा रहे हैं कि अभी एक परिवार जो है वो शव की पहचान जो है वो कर चुका है और अभी फ़िलहाल दो शवों की अभी तक कोई पहचान जो है वो नहीं की गई है। और आपको बता दें वापस जो नहर के पुल पर पहुंचे हुए हैं और फिलहाल आपको बता दें इस जगह भी अब एक शव और है जिसे अभी निकालना बाकी है, और अभी फिलहाल सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ फिलहाल पुलिस प्रशासन सारा वहीं पर खड़ा हुआ है, लेकिन बॉडी की जो पहचान है वो हो चुकी है, परिवार के लोगों से बात हो चुकी है। अब फिलहाल जो है पोस्टमार्टम के बाद उस शव को परिवार को सौंपा जाएगा और अब जो है एक शव और आपको बता दें इसी जगह पर, हम आपको अभी बताएं तो थोड़ा आगे जहां पर आप कुछ लोग देख पा रहे हैं उसी जगह पर वो शव है। यानी कि आपको थोड़ा सा तस्वीरों में मैं दिखाऊं तो ये देखिए आप पानी का जो बहाव है कितना तेज़ है। और ऐसी ही एक जगह आगे भी है जहाँ पर शव जो है एक और है लेकिन उसकी चेहरे से पहचान नहीं हो पा रही है और अभी उसे भी गोताखोरों द्वारा निकाला जाएगा। ये तीसरा शव है और जिस तरीके से लगातार ये सिलसिला जारी है शवों के मिलने का, उसके बाद जो है अब ये ज़रूर है कि लोगों को कम से कम समझ होनी चाहिए कि नहर किनारे जो है वो ना आए, क्योंकि लगातार जो शवों के मिलने का सिलसिला जारी है और आपको रोज़ लगातार नहर किनारे की खबर हम दिखा रहे हैं और रोज़ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें कई शव लगातार मिल रहे हैं और एक शव की पहचान जो है वो हो चुकी है और एक जो शव है वो अभी निकालना बाकी है और एक शव सामने की ओर जो है उसे बांधा गया है, जिसके बाद जो है यहाँ पर कुछ परिवार भी, आपको बता दें कि कुछ परिवार भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि हम आपको ज़रा सा दिखाने का प्रयास जो है करेंगे। आप देख पा रहे हैं और रात से ही वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको बता दें दरी बिछा कर रात से ही बैठे हुए हैं कुछ परिवार यहाँ पर। और जिसके बाद जो है यहाँ पर तीन शवों की जब जानकारी मिलती है तो मौके पर गोताखोर पहुँचते हैं और अब फिलहाल इस शव को निकाला जाएगा। और आपसे अपील करना चाहेंगे इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें और फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।